ललन सिंह यहां पर घर में दाखिल हुए थे और अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3:50 पर ये यहां पर निकल रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के आसपास जो है यह आपस में मंथन हुआ है, चीजों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि क्या चर्चा रही, क्या बातें रही, ये तो साफ नहीं किया गया, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ इसी तरह से जो है यहाँ पर ललन सिंह दाखिल हुए थे और आप देखेंगे कि जो ये पहले एक सिक्योरिटी का काफिला है वो यहाँ से निकला है और अब जो है ललन सिंह भी इस काफिले में होंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। तो आप सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर ललन सिंह यहाँ पर आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि दूसरे जो पदाधिकारी और नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पार्टी ऑफिस में यार, पार्टी ऑफिस में यार, सर क्या बात हुई सर, ललन सिंह रिजाइन देंगे क्या? यही ना नीतीश कुमार जी, छोड़ो, ललन सिंह रिजाइन दे रहे हैं क्या? नीतीश जी, नीतीश जी, नहीं लग रहा है, नीतीश जी लगा पड़ा, नीतीश जी तो आप देखेंगे कि ये जो साफ तौर पर नीतीश कुमार ने बातचीत करने से मना किया है, कुछ नहीं बोले, अपने काफिले के साथ निकल गए और अब ऐसा लगता है कि वो जो है पदाधिकारियों की जो बैठक में है वो यहाँ से शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो साफ दिखाता है कि अब जो जेडीयू में जिस तरह से चीजें लगातार चल रही थी वो धीरे धीरे एक स्ट्रीम लाइन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मनीष झा के साथ राम किंकर सिंह।